नमस्कार विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट 2022 हजार पेश कर रही हैं और इस बजट में इस बजट से सभी को उम्मीदें हैं आम आदमी को किसान को कॉरपोरेट की जो चीज़ें हैं तमाम लोगों की इस पर नज़र बनी हुई है और एक एक कर कर आपको बताते हैं कि इस बार के बजट में क्या खास है किसे क्या मिलने वाला है तो बजट भाषण के शुरुआत में निर्मला सीतारमण ने कोरोना महामारी का जिक्र करते हुए कहा कि हमें उम्मीद है कि भारत अपनी विकास यात्रा जारी रहेगा और इसके बाद बजट भाषण शुरू हुआ एक कर कर के वो तमाम चीज़ें निर्मला सीतारमण ने सामने रखी जो इस बार के बजट में है तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि इस बार, इस बार बार के बजट से अगले 25 साल की बुनियाद बनेगी और जल्द एलआईसी का आईपीओ आएगा इसके अलावा किसानों को लेकर युवाओं को लेकर एक जरूरी बात सीतारमण ने कहा कि बजट से किसान युवाओं को फायदा होगा आत्मनिर्भर भारत से 16 लाख युवाओं को नौकरी दी जाएगी अगले तीन सालों में 400 वंदे भारत ट्रेनों के शुरू होने की बात वित्त मंत्री ने यहां पर कही है इसके अलावा पच्चीस हजार किलोमीटर तक नेशनल हाईवे की लंबाई को बढ़ाने की भी बात बजट में रखी गई है ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है इस बार के बजट में खेती किसानी और आम आदमी को क्या फ़ायदा मिल रहा है क्या चीज़ें बजट पर रखी गई हैं सबसे ज़्यादा निगाहें इसी चीज़ पर है राज्य सरकारों को प्रोत्साहित किया जाएगा वे अपने सिलेबस में फार्मिंग कोर्स को जोड़ें गंगा कॉरिडोर में नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा दिया जाएगा वहीं छोटे उद्योग को क्रेडिट गारंटी स्कीम से मदद दी जाएगी उन्होंने कहा कि रेलवे छोटे किसानों और छोटे व मध्यम उद्योगों के लिए नए प्रोडक्ट और कुशल लॉजिस्टिक सर्विस तैयार करेगा तो ऑर्गेनिक खेती पर ज़्यादा बढ़ावा दिया जाएगा इसके अलावा डिजिटल विश्वविद्यालय की भी स्थापना होगी निर्मला सीतारमण ने यहाँ कहा कि कोरोना काल में पढ़ाई का काफ़ी नुकसान हुआ है ऑनलाइन माध्यम से काफ़ी लंबे समय से पढ़ाई चल रही है और इसको और बढ़ावा दिया जा रहा है एक क्लास एक टीवी चैनल को 12 से बढ़ाकर इस स्कीम को 12 से बढ़ाकर 200 टीवी चैनल किया जाएगा इसके अलावा डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना होगी मानसिक समस्याओं के लिए नेशनल टेलीमेंटल हेल्थ प्रोग्राम भी शुरू किए जाएंगे इसके बाद बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट के लिए विकास योजना लॉन्च होगी खेती में मदद के लिए ड्रोन का इस्तेमाल होगा तकनीक का इस्तेमाल खेती में करने की बात बजट में कही गई है बजट में रखा गया है किसान ड्रोन का इस्तेमाल कर सकेंगे इससे फसल मूल्यांकन भूमि अभिलेख कीटनाशकों का छिड़काव किया जाएगा इसके बाद इसी साल से ई पासपोर्ट 2022 23 जारी होंगे इससे नागरिकों की नागरिकों के लिए सुविधाएं बढ़ेंगी इसके अलावा बैटरी अदला बदली नीति लाई जाएगी यह बैटरी अदला बदली नीति क्या है वो बता दें कि बड़े पैमाने पर ई वाहन के चार्जिंग स्टेशन नहीं मिल पाते हैं क्योंकि जगह की कमी होती है इसलिए बैटरी अदला बदली नीति लाई जाएगी इस बार के बजट में इसे भी मैंशन किया गया है फाइव जी की लॉन्चिंग पर वित्त मंत्री ने ये कहा कि सभी गांव लोगों तक इंटरनेट की पहुंच होना बहुत ज़रूरी है बढ़ते डिजिटल डिजिटलाइजेशन में उन्होंने कहा कि इसी वित्तीय वर्ष से फाइव जी सर्विस भी शुरू हो जाएगी सेमीकंडक्टर्स में आ, संभावनाओं की बात निर्मला सीतारमन ने कही रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा मिलेगा उन्होंने कहा कि कुल खरीदी बजट में से अड़सठ प्रतिशत को घरेलू बाजार से खरीदी पर खर्च किया जाएगा इससे रक्षा उपकरणों के आयात पर निर्भरता कम होगी सार्वजनिक निवेश को बने रहने की जरूरत आ, है ये बात वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कही इसके अलावा डिजिटल करेंसी की शुरुआत इस वित्तीय वर्ष से होगी डिजिटल करेंसी को इस वित्त वर्ष चालू किया जाएगा राज्यों को ब्याज मुक्त कर्ज़ मिलेगा निर्मला सीतारमण ने कहा कि राज्यों की मदद के लिए एक लाख करोड़ रुपए दिए जाएंगे और इसमें राज्यों को पचास साल के लिए बगैर ब्याज कर्ज़ भी दिया जाएगा नए टैक्स रिफॉर्म लाने की योजना है कॉरपोरेट टैक्स को घटाया जाएगा डिजिटल करेंसी पर 30 फीसदी टैक्स लगेगा ऐसी तमाम घोषणाएं हैं जो इस बजट में की जा रही हैं और ये जो भाषण है ये अभी चल रहा है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आम आदमी को क्या मिल रहा है किसान को क्या मिल रहा है ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है डिजिटलाइजेशन पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है युवाओं को रोज़गार देने की बात नौकरी देने की बात इस वित्तीय वर्ष इस बजट में कही गई है तो इस बजट में और भी क्या है क्या नई चीज़ें हैं और किसे क्या मिल रहा है इसे लेकर आपके बीच हाजिर होते रहेंगे बने रहिए विंध्या टाइम्स के साथ बहुत बहुत धन्यवाद